आज लटेरी तहसील के ग्राम आड़ा पानी गांव के रहवासियों ने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वन विभाग अतिक्रमण के नाम पर उनके गांव को खाली करने का दबाव बना रही है। यहां कहीं कुटीर शासन से दी गई, उनमें रहने के बाद भी वन विभाग अतिक्रमण बताकर उन्हें तोड़ रहा है। ज्ञापन के जरिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से वन विभाग की उक्त कार्यवाही को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि वे 50 सालों से यहां रह रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े करीब 250 की आबादी वाला गांव है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है? रमेश। कहां से आए हो? आड़े पानी से। क्या परेशानी थी आज जिला मुख्यालय? वन विभाग में अतिक्रमण थी, उसी में रहते हैं। 100 साल पुराना कब्जा है और रहने वाले परेशान कर रहे हैं। गांव तो नहीं मिला था सरकारी लाभ, शादी आले स्कूल हैं, फीस बनने वो हैं, कुटी हैं। कौन सी योजना के अंतर्गत कुटी है? पीएम मोदी वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। हाँ, वही लाभ। मकान बन गए? बन गए, सब कम्प्लीट हो रहा है। वहाँ पे क्या कौन तोड़ रहा है? ये बनने विभाग वाले तोड़ रहे। क्या नाम है? जी सर, नारायण नाम है। कहाँ से आए? आड़े पानी। क्या परेशानी थी आज जिला मुख्यालय पर? यहाँ पर जैसे आए कलेक्टर साहब के पास के हमारी वन विभाग वाले गांव तोड़ रहे हैं। आज 50 साल पुराना गांव है, आज पुराने हमारे वहीं ख़त्म हो गए। आज वे कह रहे हैं कि गांव खाली करो, छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? ऐसी बात नहीं सर, हम तो 30 कोटी मुख्यमंत्री योजना की बनी हुई है उसी गांव में। गांव है आज कम से कम 50 साल पुराना। कितने परिवार का गांव में? लगभग 250-300 छोटे परिवार, बड़े 250-300 बच्चे से मेरे फैमिली से 250 लगभग है। कौन सा गांव है? आड़ा पान। तहसील क्या लगती है? लटेरी जिला की जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।